आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के मंथली राशि फल यानी अक्टूबर 2023 में कर्क राशि के साथ क्या घटनाएं घटित होगी। और देखा जाए तो आठ विचित्र घटनाएं, आठ अद्भुत घटनाओं का संयोग कर्क राशि के अक्टूबर के महीने में बनेगा, यानी आठ घटनाओं के योग बनते हैं। कर्क राशि यानी कैंसीरियन के अक्टूबर के मंथली राशि फल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है भाई कर्क राशि की कुंडली है, शुक्र द्वितीय स्थान में बैठे हैं, मंगल बुध और सूर्य तृतीय भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, इसका कर्क राशि को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और चतुर्थ भाव में केतु महाराज बैठे हैं और देखा जाए तो अष्टम भाव के अंदर शनि महाराज आ चुके हैं, अष्टम के अंदर है। और देखा जाए तो चंद्रमा गुरु और राहु यानी कि यहाँ पर बृहस्पति अक्टूबर के महीने में दोगले होने वाले हैं। एक तरफ गुरु चंडाल दोष भी बना रहे हैं जो खराब है, और एक तरफ गज केसरी योग भी बना रहे हैं जो अच्छा है। अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात करें तो पहली घटना का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी हैं देखा जाए तो वो दशम स्थान में बैठे हैं, गुरु राहु और चंद्रमा बैठे हैं, यानी आपकी लगन के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि गजकेसरी के साथ भी बैठे हैं और गुरु चंडाल दोष के साथ भी बैठे हैं। तो देखा जाए तो अक्टूबर का महीना कर्क राशि की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको अक्टूबर के महीने में चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, मानसिक तनाव रहेगा, बेफालतू के बहम में आप फंस सकते हैं, बेफालतू की सोच में आप फंस सकते हैं। यानी ये जो 17 दिन है खासकर 1 से लेकर और 17 अक्टूबर तक आप बड़े परेशान रहेंगे, आपका मन बहुत चंचल रह सकता है और फिजिकली प्रॉब्लम भी कर्क राशि को रहेगी, पेट की कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी की समस्या भी 17 दिन रहेगी। यानी अक्टूबर के ये जो 17 दिन है ये कर्क राशि के एक तो मेंटली हेल्थ के लिए खराब हैं और फिजिकली हेल्थ के लिए भी खराब है। तो ऐसे में कोई बड़ा निर्णय आप ना लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। 17 के बाद बाकी अगर देखा जाए 18 से लेकर 31 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा है, हेल्थ वेल एंड गुड है। यहाँ पर आप अपने काम को कर सकते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क जो मेंटल टेंशन वाला है उसको 17 अक्टूबर तक अगर पोस्टपोन करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में भाई आपके शुक्र बैठे हैं और शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, दोनों की आमने सामने दृष्टि है, यानी सम सप्तक योग, शनि और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं, सम सप्तक योग अक्टूबर में बना रहे हैं। तो दो घटनाएं फाइनेंस में कर्क राशि के साथ हो सकती है। पहला तो अक्टूबर के महीने में खूब धन बरसने वाला है, या खूब सारी इनकम होगी, या खूब सारी इनकम के प्रॉमिसेस आपको देखने को मिलेंगे, धन में सकारात्मक पॉजिटिविटी रहेगी, धन में वृद्धि के आपके अच्छे खासे योग अक्टूबर में बन रहे हैं। सेकंड देखा जाए बंद काम भी, फंसा काम भी या उधार दिए पैसे भी आपके अक्टूबर के महीने में रिकवर हो रहे हैं, बस गुस्सा मत कीजिएगा जिससे पैसे लेने, मीटिंग करके प्यार प्यार से काम निकालिएगा, प्यार प्यार से आपका धन निकल जाएगा, गुस्सा करा तो चीज़ें खराब भी हो सकती हैं, इसलिए क्रोध नहीं करना अक्टूबर के महीने में, याद रखिएगा। धन की रिकवरी शुक्र के कारण आपकी मिल रही है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव में सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं सूर्य और बुध बुधादित्य योग बन रहे हैं, लेकिन मंगल यहाँ नीच की राशि में बैठे हैं, यानी कि कुछ अच्छा कुछ बुरा भाई परिवार के साथ में या पारिवारिक जीवन में रहेगा। पहले बात कर लेते हैं तो सबसे पहला क्या है कि परिवार में देखा जाए तो आपके जो मम्मी पापा हैं या माता पिता हैं उनका कोई सरकारी काम बन सकता है, या फिर अगर वो सरकारी जॉब में तो पद प्रमोशन अक्टूबर में हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए आपकी अपनी रुचि भी राजनीतिक लोगों के अंदर रहेगी, या आपका उठना बैठना अक्टूबर के महीने में नेता प्रधान मुखिया इनके साथ हो सकता है, कई सारे आप मीटिंगें अटेंड करने वाले हैं। यानी देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में सरकारी दफ्तर के चक्कर, कोर्ट के चक्कर आप अपने लिए या किसी के लिए काटने वाले हैं, या फिर किसी नेता से आपके राजनीति में इंटरेस्ट जागृत होंगे या किसी नेता से मुलाकात होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो तृतीय भाव में सूर्य मंगल और बुध बैठा है इसकी वजह से आपका राजनीति में रुचि आ सकती है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो भाई ये परिवार से संबंधित है, परिवार भाव में भाई आपका मालव्य योग कर्क राशि का बन रहा है, यानी कि पूरा महीना देखा जाए तो परिवार में शांति का माहौल रहेगा, आप किसी देवी की भक्ति करेंगे या आपके मम्मी पापा देवी का कीर्तन भजन करने वाली है,
साथ ही साथ पूजा पाठ का माहौल रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अक्टूबर में देखा जाए तो परिवार के अंदर जो फैमिली मेंबर है उसमें किसी की खुशखबरी हो सकती है, विवाह शादी का काम बन सकता है, रुका हुआ करियर में काम बनता हुआ नजर आएगा। तो परिवार के लिए ये स्थिति अक्टूबर की बहुत अच्छी है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध उन कर्क राशि वालों से है जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है। तो संतान के स्वामी देखा जाए सूर्य मंगल बुध एक साथ बैठे हैं, तीन ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में जो आपकी बड़ी संतान है उनका मित्रों के साथ में या कॉलेज ग्रुप के साथ में नदी पहाड़ हिल स्टेशन की यात्रा अक्टूबर में करने के योग बनते हैं। और बड़ी संतान के करियर में देखा जाए तो उनको नया प्रोजेक्ट नई जॉब का ऑफर अक्टूबर के महीने में प्राप्त होगा। तो बड़ी संतान के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आपकी कर्क राशि की संतान 17 से बड़ी है यानी 17 की उम्र से बड़ी है उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो छोटी संतान है उनका देखा जाए तो उनकी अक्टूबर के महीने में आप किसी एक्टिविटी में उनको डालने वाले हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस कराने वाले हैं, उनके परफॉर्मेंस पे आप ध्यान देने वाले हैं, उनकी एक्स्ट्रा स्टडी करवाने वाले ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो छोटी संतान तो रहेगी भाई, वर्कलोड और एजुकेशन में बिजी, एक्टिविटी में बिजी। अब विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं, छठी घटना है तो विद्यार्थियों का देखा जाए अक्टूबर के महीने में भाई स्थान परिवर्तन हो रहा है, चाहे हॉस्टल में रह रहे हैं चाहे कहीं भी रह रहे हैं, आपका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ विदेश से संबंधित आप कुछ अप्लाई करने वाले हैं, जॉब की अप्लाई, इंस्टीट्यूशन की अप्लाई यदि किया हुआ है तो विदेश से संबंधित कोई न्यूज़ आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी अक्टूबर का महीना भाई बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं सातवीं घटना की। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका असर उन पे होगा जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं। तो भाई नौकरी में तो बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग भी नौकरी भाव में बन रहा है, गुरु चंडाल योग भी अक्टूबर में बन रहा है, यानी बृहस्पति देव दोगले होने वाले हैं, एक तरफ अच्छा और एक तरफ बुरा। अब ये अच्छा बुरा नौकरी में क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। वहीं पर अक्टूबर में आपका पद प्रमोशन के योग बनते हैं या मैनेजमेंट से आपको कोई एप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है, कोई लेटर मिल सकता है, तो ये तो अच्छा रहा। खराब क्या होगा, यदि आप जॉब में कोई दो नंबर का काम करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम या रिस्क वाला काम करते हैं तो भाई आप बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, आप सस्पेंड भी हो सकते हैं, आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपके ऊपर किसी प्रकार का लफड़ा झपड़ा पुलिस केस कोर्ट केस भी हो सकता है। तो दो नंबर के काम से आप सावधान रहे, अगर दो नंबर का आप काम नहीं करेंगे तो गुरु चंडाल योग एक्टिव नहीं होगा, गज केसरी तो है एक्टिव तो उससे आपको लाभ होगा। अब आठवीं घटना के बारे में बात करें तो भाई ये दाम्पत्य जीवन के अंदर है, यानी दाम्पत्य जीवन कर्क राशि का अक्टूबर में नॉर्मल नज़र आ रहा है। पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, अपने वर्कलोड में बिजी रहने वाले हैं, अपने सुचारू काम परिवार की जिम्मेवारी में आपका पार्टनर बिजी रहेगा, अपने करियर में पार्टनर बिजी रहेगा, यानी पूरा समय बिजी रहेगा। बस वीकेंड में जो चार वीकेंड आपको मिलते हैं, सैटरडे संडे, चार जो वीकेंड मिलते हैं उनमें कहीं घूमने जाने के छोटी मोटी जगह पे योग बनते हैं। बाकी तो देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन प्रेमी प्रेमिका के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा बिजी है। नौवीं घटना के बारे में बात करें तो नौवीं घटना भाई उनके पे इफेक्ट करेगी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए गुरु चंद्रमा राहु यानी गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है और गज केसरी योग भी बन रहा है, एक अच्छा एक बुरा योग बन रहा है। तो आपके जितने भी व्यापारी हैं जो अपना काम करते हैं उनको भी अक्टूबर के महीने में अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट मिलेगा। अक्टूबर में रुका हुआ काम आपको मिलेगा, कोई व्यक्ति आपकी डील करा सकता है, काम में अच्छी तेजी रहेगी और जो आपका अनुष्ठान है वहाँ पूजा पाठ भी होगा, वहाँ पर आप हवन भी करने वाले हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी, मैनेजमेंट में भी आप बड़ा चेंज करेंगे और उससे फ़ायदा होगा। कुछ आप जो है किसी धार्मिक व्यक्ति की एडवाइस से कुछ पूजा पाठ काम की वृद्धि के लिए करने वाले हैं, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम भी खड़ी होगी अक्टूबर के महीने में भाई, कर्मचारियों से आपकी बहस रहेगी, कर्मचारी की बहानेबाजी से आप परेशान रहेंगे, कर्मचारी के काम बिगाड़ने वाली स्थिति से थोड़ा कंप्लेंट भी आपकी बढ़ेगी लेकिन काम में वृद्धि हो रहेगी। तो कुल मिलाकर कर्मचारी से भाई आपको अक्टूबर के महीने में परेशानी रह सकती है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।